कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th टू एमकॉम, CACSCMA एंड BBA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है KKCA कॉमर्स एकेडमी के अंदर। मैं हूं प्रमोद गायकवाड़ और आपके लिए लेके आया हूं फिर से एक बार हमारा जो प्रीरिक्विजिट्स चल रहा था, वो प्रीरिक्विजिट्स का ये सेशन। इसके अंदर हम लोग बेसिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा ये जो सेशंस है स्पेशली फॉर FY तो है ही, लेकिन बाकी सब कोर्सेस के लिए, फिर वो CA फाउंडेशन हो, CMA फाउंडेशन हो, 11th 12th हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी मास्टर रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक है, तो टॉपिक पढ़ने के लिए हमें ये प्रीरिक्विजिट्स पता होना बहुत जरूरी है। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये पढ़ना जरूरी है। क्या पढ़ना जरूरी है? प्रीरिक्विजिट्स पढ़ना जरूरी है, तो रियली इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं क्या नहीं है फटाफट। अभी हमारे लास्ट टाइम के लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हमने LCM HCF हमने कल ले लिया था। आज हमें जो स्टडी करना है वो करना है आज हमें फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं कैसे होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले लियो टॉल्स्टॉय नाम के एक बड़े फिलोसोफर थे, और उस फिलोसोफर्स ने क्या कहा जरा देख लेते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। A man is like a fraction whose numerator is what he eats and whose denominator is what he thinks of himself. The larger the denominator, the smaller the fraction. समझने वाले को इशारा काफी है, तो समझना पड़ेगा। फ्रैक्शन की तरह होता है, आदमी खुद जो होता है वो न्यूमरेटर है, जो अपने बारे में वो थिंक करता है दैट इज डिनोमिनेटर। लार्जर द डिनोमिनेटर, अगर वो थिंकिंग खुद के बारे में बहुत बड़ा कर रहा है, मतलब फ्रैक्शन इज स्मॉलर, मतलब वो क्या होता है छोटा, मतलब अपन जो है नहीं वो अपन बारे में, मतलब मैं राजा का बेटा नहीं हूं फिर भी मैं खुद को राजा अगर समझता हूं, तो ऑफकोर्स लार्जर द डिनोमिनेटर, थिंकिंग मेरी बहुत बड़ी हो गई है, तो स्मॉलर द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा स्मॉलर। मैं न्यूमरेटर में कुछ भी बड़ा हूं लेकिन मैं छोटी चीज भी करने के लिए तैयार हूं, छोटा सोचता हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा मतलब मेरा डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो फ्रैक्शन ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहने का मतलब हमेशा हम जो लिखते हैं समथिंग अपॉन समथिंग दैट इज फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एंड उसके बीच में एक छोटी सी थिन लाइन होती है। तो ऊपर वाला नंबर को हमेशा हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर कहते हैं। क्यों यूज करे जाएंगे ये फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस इसलिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि ये जो सेकंड नंबर का फिगर है उसको केक समझो। मैंने इसके पहले भी एक स्टोरी आपको सुनाई थी उस दिन, कि एक दिन हमने घर में केक लाया और हम लोग तीन भाई थे। फिर घर में जो केक लाया उसके तीन पार्ट्स किए गए इक्वल तीन भाइयों में बांटने के लिए। फिर मैं गया फ्रिज में से केक निकाला, उसमें से एक पार्ट खा लिया, दो पार्ट वैसे बचे थे। फिर दूसरा भाई आया, उसने फ्रिज में से वो केक निकाला और चेक किया कि वो कितना बाकी है और कितना खत्म हो गया, तो वही है दैट इज कॉल्ड एज टू थर्ड। वो जो सेकंड नंबर फिगर है गोल, वो उसके अंदर देखो वन थर्ड पार्ट गायब है और टू थर्ड पार्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2/3 हमें फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी। जब इंसान को फ्रैक्शन की जरूरत पड़ी तब इंसान ने अलग अलग चीजों को, किसी भी होल चीज को फ्रैक्शंस में बाय पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए उसने फ्रैक्शंस का यूज करना स्टार्ट किया। जैसे 1/2, हम लोग जानते हैं रुपीज 1 का हाफ होता है 50 पैसे, ये रुपीज 100 का हाफ होता है 50 रुपए, उस तरह से 1 का होता है 1/2। हम लोग अलवेज जाते हैं चाइनीज के किसी गार्डन, मतलब कॉर्नर जो होता है उसके ऊपर, और उसको बोलते हैं कि भाई एक शेजवान ट्रिपल राइस 1/2 करके दे दो। 1/2 करके दे दो मतलब क्या है? है तो वो फुल डिश लेकिन उसका हाफ ऑफ करके दे दो, दैट इज 1/2। ये 1/2 वही से आया। 2/3 पार्ट, जैसे मैंने केक का एग्जाम्पल दिया, 4/5, अगर 5 कैटेगरीज में से एक गायब है और बाकी 4 प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया 4/5 पार्ट, इसको बोलते हैं 4/5। तो समथिंग अपॉन समथिंग लिखना मतलब फ्रैक्शन,
पी अपॉन क्यू फॉर्म मतलब फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन, ये होता है फ्रैक्शन। अब वो तुम्हें कुछ पूछ रहा है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या याद है, मैंने कुछ आपको बताया था वो क्या तुम्हें याद है, ऐसा वो तुम्हें पूछ रहा है। और जो याद है वो बाजू में लिखा है, उसको पढ़ के देखो। यस, क्या याद है? अ नंबर ऑफ द टाइप पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर। याद करो, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या थे? रैशनल नंबर्स वो थे जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में आते हैं। पी अपॉन क्यू फॉर्म में मतलब क्या कहते हो सर? ये देखो बाजू में एग्जांपल्स दिए हैं, 1/5, 3/2, 6/7, 3/4, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शंस। ये पॉजिटिव भी हो सकते, ये निगेटिव भी हो सकते, ये कुछ भी हो सकते, लेकिन दिस ऑल आर नथिंग बट द फ्रैक्शंस। क्लियर है? लेकिन सर इस फ्रैक्शन का करना क्या है? फ्रैक्शन का चार चीजें करना है दोस्त। क्या करना है वो आगे जाके देखेंगे कौन सी चार चीजें हैं। चलो पहले फ्रैक्शन को, हाँ ये देखो इसे समझ लो, लोग आपकी कदर मतलब वैल्यू करेंगे। अगर इसे नहीं समझ लिया लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। तो वैल्यू अगर करनी है तो इसे समझ लो। क्या समझ लो? ये भी मैंने बताया था लास्ट टाइम। यस, मैंने क्या बताया था? 1/0। यस, 1/0 ऑलवेज क्या होता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटी। तो हमेशा ये चीज दिमाग में रखनी है, लिख के रखो अपने नोटबुक में। मैंने उस दिन भी बोला था, आज ही बोल रहा हूं कि 1/0, सिर्फ 1/0 नहीं, एनी नंबर अपॉन जीरो, आप इसको क्रेडिट भी कर सकते हैं, एनी नंबर अपॉन जीरो। यस, यू कैन राइट डाउन एनी नंबर अपॉन जीरो इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, नो इश्यू। Any number upon zero is always infinity. याद रखना दोस्तों, हमेशा। And zero upon any number is always zero. Zero के upon में any number, कुछ भी number होगा, फिर वो positive हो, negative हो, कैसा भी हो। Zero upon में 100 लिखूँ तो भी answer zero है। Zero upon में अगर 999 लिखूँ तो भी zero है। मैं -99 लिखूँ तो भी zero है। मैं 0/ कुछ भी लिखूं तो भी 0 ही है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं 0/ लिखूं मैं शाहरुख खान तो भी ये 0 ही है। 0/ एनीथिंग ऑलवेज 0 होता है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, नो इश्यू। लेकिन एनीथिंग अपॉन 0 अगर होगा दैट इज ऑलवेज इंफिनिटी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये लोग आपकी कदर करेंगे। चलो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं अपने मन में, सर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया तो क्या करेंगे, या फिर 0/0 आया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऐसा आया तो छोड़ देंगे, क्योंकि इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। उसे कहा जाता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, वो इनडिटर्मिनेंट है, उसे आता भी नहीं है और आएगा तो आपको छोड़ देना है। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म या 0/0, इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी, ठीक है, आपके लिए इतना ही है। और भी होंगे तो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी फ्रैक्शन क्या है? दस डिवीजन ऑफ एनी नंबर बाय जीरो हैज नो मीनिंग। जैसे मैंने अभी अभी बताया, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो होता है इन्फिनिटी, मतलब वो होता है नॉट डिफाइंड, वो डिफाइन नहीं होगा। सेकेंड चीज, डिवीजन ऑफ जीरो बाय एनी नंबर इज ऑलवेज जीरो, मतलब क्या? 0/ अगर हम लोग कोई भी नंबर लेंगे, एनी नंबर, तो वो चीज क्या बन जाएगी? जीरो। एंड फ्रैक्शन इज शोन इन द लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है, सपोज मैंने दिखा दिया 15/21, ये एक फ्रैक्शन है, इसको ऐसा नहीं लिखा जाएगा। इसका फाइनल आंसर अगर मुझे तैयार करना है तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे 3/5 होता है 15 एंड 3/7 21, तो किसी भी एक कॉमन नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करके आपको क्या करना है, उसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। ओके, लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमेशा कल हमने सीखा है एलसीएम एंड एचसीएफ, तो हम आज उसका यूज भी करेंगे। हमें जहां जहां लगेगा वहां वहां पे हम लोग उसका यूज भी करेंगे, ठीक है।
इधर तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ऑलरेडी, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट दे सकते हैं। ओके, नो इश्यू, ठीक है, ऐसा है क्या नहीं है वो हम लोग देखेंगे। अभी सबसे पहले ऑपरेशंस और फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का ऑपरेशन अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे, कितने ऑपरेशंस होते हैं फ्रैक्शंस के टोटल ऑपरेशन होते हैं 4। वही मैं बता रहा था शुरुआत में कि 4 बातें हमें करनी है। क्या करनी है ऑपरेशन में, एक होता है एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन, एक होता है मल्टीप्लीकेशन और एक होता है डिविजन। 4 बातें हमें करनी है, कौन सी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, ये 4 बातों का हमें पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं वो हम लोग सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे और फिर मल्टीप्लीकेशन डिविजन देखेंगे। हर चीज को करने का तरीका प्लस माइनस में अगर आता है तो उसके रूल्स क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले, ठीक है। चलो सबसे पहले हमारा है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। आप लोग सब हेडिंग दे देना आपके नोटबुक में और फटाफट तैयार रहना कि एडिशन कैसे करनी है उसके लिए, ठीक है। चलो एडिशन देख लेते सबसे पहले। पहला एक एग्जाम्पल, हर चीज एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। 3/7 प्लस 9/5 ये हमारा एग्जाम्पल है। सपोज 3/7 इज इक्वल्स प्लस 9/5, क्या करना है हमें एडिशन। सबसे पहले मैंने बताया कि बेस सेम करो। बेस सेम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एलसीएम। अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊं 7 और 5, तो कल मैंने एक रूल बता दिया था आपको, अगर दो प्राइम नंबर्स हैं तो उनके एलसीएम क्या होता है, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 7 से करने जाएंगे तो ये आएगा 15 और 5 से करने जाएंगे तो 11, तो एलसीएम क्या आएगा आपका, यस एलसीएम आ जाएगा आपका 35, ठीक है, यस। तो अगर कोई चाहे कि सर मुझे इससे नहीं करना है, मुझे अलग मेथड बताओ एडिशन करने की, तो मैं बताऊंगा कि तू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, मतलब 3/5 कर सकते एंड 7/9, आई बात समझ में, ऐसा क्रॉस में भी कर सकते हो। जैसे 3/5 प्लस 7/9 अपॉन क्या आएगा, 7/5, तो एलसीएम से भी वही आता है और इससे भी वही आता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नंबर छोटे थे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान है, और सेकेंड चीज ऐसी है कि इसके अंदर प्राइम नंबर्स आए इसलिए ऐसा होना पॉसिबल है। 5 3 15, 7 9 63 अपॉन 35, चलो ऐड कर दो इन दोनों को तो आएगा 78/35। क्या किसी नंबर से ये डिवाइड होता है, 7 से या फिर 5 से, किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, टिक करो, अगर हो रहा है तो करना है, नहीं हो रहा है तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, नहीं हो रहा है तो यही तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर है, क्लियर है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, 5/14 प्लस 23/21 प्लस 23/21। अब नंबर बड़े बड़े आए तो हमें क्या निकालना चाहिए, एलसीएम। तो 14 और 21 का हम लोग एलसीएम निकालना स्टार्ट किए। हमें पता है कि ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, इसलिए 7 2 and 3 देयर अगेन 2 दैट इज 1 और 3 अगेन 3 दिस इज 1 और 1, तो एलसीएम क्या बन गया, यस 7 × 2 × 3 7 6 42, ये तुम्हारा क्या बन गया एलसीएम, मतलब कॉमन बेस जो बनेगा वो क्या बनेगा, 42 बनेगा। चलो तो 5 को काय से मल्टीप्लाई और 14 को काय से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बनेगा, ये कल टेक्निक सिखा दिया था 23 और 21। मैंने क्या बोला, 14 बनाओ, फैक्टर्स में 14 बनाओ, 14 कैसे बनेगा, 7 2 तो इंटू क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 3, तो ऊपर नीचे क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 21 बनाओ, 21 कैसे बनेगा, 7 और 3 तो कौन बचता है, 2, इसलिए काय से मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से, ऊपर नीचे 2 से। जो भी चीज न्यूमरेटर से करेंगे मल्टीप्लाई वही डिनोमिनेटर से, या फिर उल्टा भी बोल सकते, जिस किसी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो
डिनोमिनेटर में वही चीज करनी है न्यूमरेटर में। चलो 5 3 हो जाएगा 15, 15 अपॉन कितना 42 एंड 23 2 कितना हो जाएगा, यस ये आएगा 46 अपॉन 42। क्या दोनों का बेस सेम बन चुका है? तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली ऐड। देखो दोस्तों, अगर ऐड होता है तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट, मतलब जैसा साइन दिया होगा उस तरीके से। 15 एंड 46 अगर हमने ऐड किया तो ये आएगा 11, 1 कैरी, 5 प्लस 1 61 अपॉन 42। क्या इन दोनों को किसी से डिवाइड होता है? कोई नंबर है ऐसा कि जो इसको डिवाइड करेगा? लोवेस्ट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं कि हम लोग, नहीं है, तो इट्स ओके। तो यही तुम्हारा क्या बन जाता है आंसर। क्लियर एवरीवन? यस। चलो और कुछ एग्जांपल देखेंगे। 19 अपॉन 6 प्लस 67 अपॉन 10, ठीक है। चलो 6 एंड 10 है, करके देखो एलसीएम, नो इश्यू। 6 एंड 10 फटक से मैंने यहां पे लिया, 2 से डिवाइड किया, यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 5, फिर आएगा 3 तो 1 एंड 5 एंड लास्टली आएगा 5 तो इधर आएगा 1 1, ठीक है। तो मेरा एलसीएम बन गया है, एलसीएम इज 2 × 3 × 5, मतलब बन गया 30। 30 बना है तो मुझे क्या नीचे लाना है, 30। तो 19 और 6 को मैं काई से मल्टीप्लाई करूं एंड 67 एंड 10 को, 10 का तो बहुत कॉमन सेंस है दैट इज 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ऑफकोर्स यहां पर भी 3 से। एंड आपको मैंने बोला 6 बनाओ, 3 × 2 = 6 होता है, कौन बचा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 5। 19 5 कैलसी अलाउड है, यस, कितना होता है 95, यस। 67 × 3, 6 3 = 21 2 6 3 = 18 × 20 201। दोनों का एलसीएम सेम बना था, कितना 30, तो इसलिए कॉमन में लिखा 30, ऐड कर दिया तो आएगा 296 अपॉन 30। क्या इसको हम लोग लोवेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हैं? यस और नो? कैसे करेंगे, पहले 2 से करो, तो 2 1 2, 2 4 8 एंड 2 8 16 अपॉन आएगा 15। यस, करके देखो, कोई डाउट किसी को? 15 बराबर है, आया आंसर, समझ में आया? किस तरह से आपको करना है, सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन होती तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी एक दो सम लेके दिखाऊंगा। कोई डाउट किसी को? ओके, यहाँ तक, इसके आगे और हो नहीं सकता क्योंकि ये 3 से वगैरह हो रहा है क्या, चेक कर लो, 8 और नहीं हो रहा है तो फिर नहीं होगा। यही तुम्हारा क्या है, लोवेस्ट फॉर्म है, इसी से आपको यही तुम्हारा फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम लोग सीखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, कैसे करनी है सब्ट्रैक्शन, उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 7 upon 19 है, माइनस में दिया है 3 upon 7, तो सबसे पहले मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। 19 एंड 7 बेसिकली बोथ आर प्राइम नंबर्स, दैट्स वाई उनका एलसीएम जो आएगा वो उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आएगा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब आप लोग डायरेक्ट भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलता है। यस, 19 × 7, 7 3 9 7 9 63, 6 और ये आएगा 12 ना, तो 1 2 3 राइट, 133 आ रहा है, ठीक है। 7 1 6, 6 6 12 और 13 बराबर 133। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 7 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 19 से, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, अपॉन 19 × 7, 7 7 = 49, 19 3 = 57 नहीं लगता है मुझे, हाँ 57 बराबर, 3 9 = 27 और ये 57 अपॉन 133। चलो सब्ट्रैक्ट करो, अभी देखो प्लस की जो वैल्यू है, मतलब 49 की साइन प्लस है, 57 की साइन माइनस है,
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन बिगर नंबर साइन, बिगर नंबर कौन सा है 57, तो अपकोर साइन काय की आएगी माइनस की। तो अभी सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो कितना आता है 8 होता है क्या इसको रिड्यूस और लोवेस्ट फॉर्म में होगा क्या? नहीं, यही तुम्हारा क्या है सबसे लोवेस्ट फॉर्म है, ठीक है, इससे और छोटा होगा नहीं। एक और सम लेते हम लोग, 5/15 माइनस 3/3 लेंगे 10। चलो 15 एंड 10 दोनों का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। 5 का आएगा इधर 3, 2, 3, 1, 1, 2 एंड 2, 1, 1। तो एलसीएम हमारा बन चुका है 30, राइट। चलो तो हम लोग इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 15 टू जा होता है 30, एंड 3 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 3 जा होता है 30। कॉमन बेस बन चुका है इसलिए 30, 5 टू जा 10, 3 3 जा 9, कितना आया 1/30। यही तुम्हारा क्या बन गया फाइनल आंसर, 10 माइनस 9, दैट्स वाई 1। क्लियर, 1/30, कोई डाउट? यस। चलो नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है जरा देखो इसे। लास्ट टाइम आई एम गोना टेल यू, वॉट एवर यू डू टू द न्यूमरेटर यू हैव टू डू द डिनोमिनेटर। जिस किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर को, उसी से क्या करना है डिनोमिनेटर, या फिर उल्टा बोल सकते हैं, डिनोमिनेटर अगर जिस किसी नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी के साथ हमेशा क्या करना है, इसे याद रखो, नहीं तो ये घोड़ा दबा देगा। घोड़ा दबा देगा मतलब ये गोली मार देगा आपको फिर, इसलिए एग्जाम में ऐसी गोली नहीं लगनी चाहिए। इसलिए जैसे किया है मैंने वैसे, अगर 2 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 से मल्टीप्लाई करना है, जिस किसी नंबर से करना है वो सोच समझ के हमें करना चाहिए, ठीक है। दिस रूल इज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग चलेंगे फाइनली इनटू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है फटाफट देख लेते फिर आगे बढ़ते। मल्टीप्लीकेशन इज वेरी इजी थिंग। सपोज एग्जांपल आया है 5/12 इंटू 7/22। सबसे पहले देखने का कि ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है क्या, अगर नहीं होता है तो क्रॉस में कुछ किसी के कोई नंबर है क्या जो कट हो रहे हैं, तो नहीं। 7 के टेबल में 9/12 आता और 5 के टेबल में 22 आता, कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। जब ऐसा होता है तब सिंपल न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होता है एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, मतलब 5 इंटू हो जाएगा 7 एंड नीचे आएगा 12 इंटू 22। यस कैल्स अलाउड है, 3 5 5 7 35 एंड 12 इंटू 22 मतलब 4 बराबर है। यस कितना? यस 12 2 24 24 मतलब 26 264, 35/264। यस इसके आगे इसका कुछ रिडक्शन होगा नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, दिस इज सिंपली अप टू द हियर, क्लियर है। और एक देख लेते हम लोग, जैसे 3/5 इंटू 25/21। यस इसमें हमने चेक किया कि अगर एक क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, ऊपर नीचे हो रहा है क्या? यस हो रहा है। 3 1 3 3 7 21, 5 1 5 5 5 25। तो 5 इंटू 1 क्या बचा 5 एंड 7 इंटू 1 क्या बचा 7, तो आंसर क्या आया 5/7। क्लियर, दिस इज आंसर 5/7, सिंपल। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी सर माइनस में आए तो क्या करेंगे? देखो भाई माइनस के रूल बता देता हूँ मैं, वेरी इजी रूल होते हैं इसके, याद रखने के लिए टेक्निक ये है, अगर माइनस माइनस में दोनों आते हैं या फिर प्लस प्लस में आते हैं तो आपको ऑलवेज लिखना है प्लस, वो होता है पॉजिटिव। सेम साइन अगर होगी, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस इंटू प्लस भी क्या होता है प्लस, लेकिन अगर माइनस प्लस या प्लस माइनस अगर आता है, एक भी साइन उल्टी पुल्टी रही, तो ऑलवेज वो क्या होता है निगेटिव, सिंपल। क्लियर है?
अगर वो अपोजिट साइन है तो निगेटिव है, सेम साइन है तो पॉजिटिव। एक निगेटिव का करके दिखाता हूँ, माइनस वन बाई टू इंटू सिक्सटीन अपॉन एटीन ऐसा अगर आया तो यस क्या करना चाहिए, कटिंग करनी चाहिए, टू वन जा टू, टू एट जा सिक्सटीन, फिर आंसर आएगा माइनस एट, माइनस वन इंटू एट होता है माइनस एट अपॉन एटीन। देखो एक फ्रैक्शन निगेटिव में था एक फ्रैक्शन पॉजिटिव में था, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया आपका माइनस, दोनों को टू टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा फोर और ये बन जाएगा नाइन, माइनस फोर अपॉन नाइन ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर, ऐसा ही अगर ये माइनस साइन इसको होगा उसको होगा किसी को भी होगा तो भी यही तरीका होगा, ठीक है, दोनों माइनस में आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये भी माइनस में होता ये भी माइनस में होता तो आंसर प्लस और ये प्लस में आता और कुछ अलग नहीं होता, ठीक है। चलो अब लास्ट टॉपिक हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन कैसे की जाती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज 4 अपॉन 7 है, बीच में साइन है डिवीजन का, साइन डिवीजन का, ठीक है, और दिया है 9 अपॉन 32 ऐसा कुछ दिया है, आपको क्या करना है इसको लिखना है 4 अपॉन 7, बीच में डिवीजन का साइन हटा देना है, मल्टीप्लाई लिखना है और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है उसको रेसिप्रोकल करना है, 9 अपॉन 32 की जगह पे 32 अपॉन 9 लिखना है, बस इतना ही करना है। डिवीजन वाला जो होता है उसको हमेशा फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेके फिर सॉल्व किया जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कैसे लेने का, तो डिवीजन का साइन हटा दो उसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन का डालो और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर दो, उल्टा करना मतलब रेसिप्रोकल करना, 9 अपॉन 32 था तो हमने करना है 32 अपॉन 9, फिर चेक करना है कि कोई कटिंग हो रही है क्या ऊपर नीचे, तो कोई कटिंग नहीं हो रही है तो मैंने क्या बोला ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ, 4 इंटू 32 यस 8 एंड 1 टू 8 7 9 जा 63 ये तुम्हारा क्या बन जाएगा आंसर। क्लियर, इसके आगे रिडक्शन होता है तो करना है, नहीं होता है तो इट्स ओके। सर माइनस का भी बताओ, यस देखो माइनस 6 अपॉन 5 अगर है एंड डिवीजन में अगर है तुम्हारे 87 अपॉन 9, ओके 87 अपॉन 9 करके दिखाएंगे, माइनस 6 अपॉन 5 पहले वाला जो होता है वो एज इट इज रखना है, उसको नहीं चेंज करना है, ना रिसिप्रोकल ना कुछ ना कुछ ना, वो जैसा है वैसे रखो, ये डिवीजन की साइन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लाओ और जो नेक्स्ट है उसके बाद में फ्रैक्शन उसका क्या करो उल्टा, 87 अपॉन 9 की जगह पे क्या लिखेंगे 9 अपॉन 87 खत्म। कुछ कटिंग होती है क्या चेक करो, कटिंग 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 नो कटिंग, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 9 तो माइनस 6 इंटू 9 एंड 5 इंटू 87 6 9 जा यस माइनस 54 प्लस माइनस माइनस जो मल्टीप्लिकेशन के रूल बताए वो यहां पर भी अप्लाई करने हैं, 5 7 जा 35 3 4 3 5 करेक्ट यस, इसको रिड्यूस करना अगर होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो कीप एज इट इज नो चेंज। क्लियर है सबको डिवीजन वाला, यस एनीवन एनी डाउट इन द डिवीजन, नो डाउट, ठीक है। और एक सम लेता हूं मैं मेरी तरफ से, वो है 9 अपॉन 7 डिवाइड बाय 7 अपॉन 9, यस 10 अपॉन 7 डिवाइड बाय 7 अपॉन 9, क्या बोला डिवीजन का साइन हटा के इसको क्या करो उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा यस 9 अपॉन 7 इंटू 9 अपॉन 7 9 9 81 7 7 49 सिंपल। क्लियर, दूसरा तरीका अगर यही सम में ऐसा देता 9 अपॉन 7 माइनस में डिवाइड माइनस 9 अपॉन 7 माइनस 9 अपॉन 7 तो पहला 9 अपॉन 7 एज इट इज रहता इंटू का साइन बनता और दूसरा वाला बनता माइनस 7 अपॉन 9 या आप लिख सकते हैं 7 अपॉन माइनस 9 नो इशू, वैसे भी माइनस माइनस क्या होना है प्लस, 7 7 से कटता है 9 9 से कटता है सब कट गया क्या बचा 1, सब कटने के बाद में 1 बचता है दोस्तों 0 नहीं बचता, प्लस माइनस में सब कट गया तो 0 बचता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सब कट गया तो आंसर क्या आता है 1 हमेशा याद रखो।
ऐसे केस में बनेगा वन, जीरो नहीं बनता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सब कुछ आ जाएगा डिवीजन। फिर डिवीजन में ये कुछ पूछ रहा है आपसे, सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? यस, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो ये बता रहा हूँ, मेरे पीछे आओ। ये जो बंदा है ये बोल रहा है कि मेरे पीछे आओ, ठीक है। चलो इसके पीछे ये बताएगा हमें कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलो MCQs, कुछ पिछले साल के MCQs हैं, वो थोड़ा सा हम लोग अभी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्वेश्चन है 2/3 + 3/4। यस, ट्राई दिस एट योर एंड, करने की कोशिश करो, तब तक मैं क्वेश्चन भी देता हूँ। और यस, थ्री एंड फोर दोनों को प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर नहीं कह सकते, मतलब उनको को प्राइम भी नहीं कह सकते, उनको बोल सकते हम लोग को प्राइम नंबर्स। वो दोनों प्राइम नंबर नहीं है, फोर है वो नॉन प्राइम नंबर है, तो को प्राइम ही बोलेंगे। तो इन शॉर्ट दो को प्राइम नंबर आते हैं तो उसके LCM उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, या फिर सिंपली आप कह सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो 2 × 4 हो जाएगा और 3 × 3 हो जाएगा, और आपने LCM भी निकाला होगा तो भी वो 3 × 4 12 आएगा, बराबर है। 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, यस, 4 × 3 = 12, 8 और 9 होते हैं 17, 17/12, दिस इज योर आंसर। क्लियर, ये तुम्हारा सिंपल आंसर बन जाता है। अभी नीचे जो दिया है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसमें LCM निकालना ही पड़ेगा, तीन नंबर है और बड़े बड़े नंबर है। चलो 7, 49 और 98 को हम लोग ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले ऑफकोर्स 7 से करेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 7, 1 = 2 + 4 = 7, 4 = 28। फिर से करेंगे 7 से तो 1 आएगा 2, एंड 2 से करेंगे तो आएगा 1, 1, 1। क्या आया हमारा LCM? LCM आया हमारा 98, आया कि नहीं आया? यस, 7 × 7 = 49, 49 × 2 = 98, करके देख सकते इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन। ओके, अभी हम लोग 98 बनाएंगे सभी जगह पे, तो 1/7, मैंने कैसे टेक्निक बताई, 7 को पकड़ लो, गायब कर दो, उसके ऊपर हाथ रखो, फिर क्या बचता है 14, तो ऊपर नीचे क्या करो 14 से मल्टीप्लाई करो, बीच में साइन माइनस की है। 49 को काई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा, 7 को गायब कर दो क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन 49 होता है, बचता है 2, इसलिए ऊपर नीचे 2 से, एंड लास्ट वाले को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी 98 है। तो पहला वाला फ्रैक्शन बन जाएगा 14, दूसरा वाला बन जाएगा 2, तीसरा वाला बन जाएगा 1, सबका बेस कॉमन है वो है 98, सबका बेस क्या बन चुका है 98। चलो 14 में से 2 चले गए तो बचते हैं 12, 12 + 1 / क्या आएगा 98, 12 + 1 होता है दोस्तों 13, 13/98। क्या 98 को डिवाइड होता है 13 से? नहीं होता है, क्योंकि 13 से 7 = 91 होता है, 98 नहीं आएगा 81 में। तो यही तुम्हारा क्या बन गया है फाइनल आंसर। तो पिछले साल के कुछ एक दो क्वेश्चंस थे हमारे पास में, उसका हमने सॉल्यूशन ले लिया। ओके, इस टॉपिक के ऊपर एक दो क्वेश्चन आते हैं एटमोस्ट, तो हमें वही करना है, लेकिन आने वाले जो जितने टॉपिक्स है उसके अंदर हमें सॉल्व करने के लिए मदद हो, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करना, रैंडमली कुछ भी नंबर लेके आप लोग आपका सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसके बाद में हमारी अब बारी आई है थैंक यू कहने की। कश्मीर के अंदर हम लोग सोचते हैं कि कश्मीर लैंग्वेज होगी, लेकिन एक्चुअली उस लैंग्वेज का नाम है कोशूर, और उस कोशूर लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स हैं अलग अलग रीजन में, तो थैंक यू कहने का ये एक उनका तरीका भी है।
मी बूर बा ई इन। अभी वो कैसे प्रोनाउंस करने का वो उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन कश्मीर लैंग्वेज में मतलब कोशूर लैंग्वेज में थैंक यू टू ज्वाइन अस। एंड फाइनली वही हमारी रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सबके पास पहुंचाइए क्योंकि ये बेसिक्स है, सबको पता होना जरूरी है। लाइक्स करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, और बेल आइकॉन दबा के जितने भी नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले हैं उसका मज़ा जरूर आप लोगों को लेना चाहिए। कल हमारा टारगेट रहेगा एक्सपोनेंट, हम लोग कल के लेक्चर्स में देखेंगे, हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सपोनेंट, या जिसको हम लोग इंडाइसेस भी कहते हैं, तो इंडाइसेस के बारे में हमें जानना है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, शेयर करना मत भूलिए, और जितने दोस्तों के साथ हम लोग नॉलेज बांट सकते हैं उतना बांटने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड शुक्रिया।